स्ट्रॉन्ग आईपीओ रिस्पॉन्स, और स्ट्रॉन्ग आईपीओ रिस्पॉन्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग भी हुई। अब इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर ए वेलुमानी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है और सीईओ है थायरोकेयर के। सर नमस्कार। सर बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आईपीओ को मिला और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग रही है, ब्रेथ टेकिंग रिस्पॉन्स की आपने एक्सपेक्टेशन की थी? थैंक यू, ऐसा तो एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन बहुत खुश हूँ अभी। राइट मिस्टर वेलुमानी, आपसे जानना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट इतनी बढ़िया एक रेस्पॉन्स मिली है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 49% प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट होते हुए नजर आया है, और आगे जाते हुए अब आपसे जानना चाहेंगे कि रणनीति कंपनी की क्या है, जो रकम जुटाई है कंपनियों ने आईपीओ के जरिए, किस तरीके से इस रकम का इस्तेमाल होगा, एक्सपेंशन के क्या कुछ प्लान है? जो रकम कंपनी में अंदर आई है वो कंपनी के लिए नहीं आई है, जो आउटगोइंग इन्वेस्टर्स है इन्वेस्टर्स के लिए दिया जाती है। कंपनी हैज इनफ कैश इन द बैलेंस शीट, कंपनी के अंदर 60-70 करोड़ के कैश है, तो कंपनी कभी डेट नहीं ली गई, कंपनी में लास्ट 20 इयर्स कभी डेट नहीं ली गई जी जी जी। और कंपनी में हमेशा बैलेंस शीट में 70-80 करोड़ की कैश थी, तो जो ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारी जो बाकी रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज डालनी है उसके लिए कंपनी के पास पैसा है, और आने वाला 2 साल में 20 लेबोरेटरी खोल रहे हैं, हर लेबोरेटरी के लिए 3 करोड़ की एक बजट है, सो ये तो कंपनी का इंटरनल अक्रूवल से मैनेज हो जाती है जी। साथ ही सर अगर हम बीते कुछ इयर्स की परफॉर्मेंस देखें थायरोकेयर की, तो काफी अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने मेंटेन किया है। प्रोबेबली आप नंबर्स प्रिसाइसली ना मेंशन कर पाए, लेकिन फिर भी जो आने ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं, और क्योंकि 4 या 5 ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं इस बिजनेस में जहां आप डील करते हैं, तो और कॉम्पिटिशन हाल ही में काफी इंटेंसिफाई हुआ भी है, तो उससे डील कैसे करेंगे? क्या एक्सपेंशन मोड आपको हेल्प करेगा इस कॉम्पिटिशन को बीट करने में, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी भी आपकी रहेगी? ये 125 करोड़ आबादी में 4 कंपटीशन क्या करेगा, कम से कम 20 कंपटीटर की जरूरत पड़ती है, तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत छोटे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत बड़े हैं, तो सचमुच कंपटीशन तो हमारे बीच में नहीं है, कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के बीच में है। सो हिंदुस्तान में हेल्थ केयर मार्केट विल पीक इन 2050। नेक्स्ट 30 साल के लिए इस इंडस्ट्री में किसी को रोना धोना की जरूरत नहीं है, सब हंस के अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं।